नमस्कार बच्चों, गोडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इकाई 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसमें हम सामान्य वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, साधारण नामकरण पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां पढ़ चुके हैं, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीटोन बनाने की विधियां, कीटोनों का विरचन हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, आपको हेडिंग डालना है उसी तरीके जिस तरीके से वीडियो में आता है, उस तरीके से आपको हेडिंग डालता है और नोट करते जाना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली विधि है एसिल क्लोराइड से। एसिल क्लोराइड क्या होता है? RCOCl, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त डाई एल्किल कैडमियम की एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको पता ही होगा, RMgX, कैडमियम क्लोराइड CdCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा डाई एल्किल कैडमियम। ठीक है, इक्वेशन से समझते हैं। ये है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के हम दो मोल लेंगे, CdCl2 के साथ में रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो हमारा जो कैडमियम है वो एल्किल समूह के साथ में संयुक्त हो जाएगा और 2MgXCl हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक हमारा प्रतिस्थापन रिएक्शन हो गई। इसमें क्या करते हैं हम, फिर जो हमारा डाई एल्किल कैडमियम था, हमारा डाई एल्किल कैडमियम को हम एसिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं RCOCl। इसके भी एसिल क्लोराइड के भी हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कीटोन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है, वो किसके साथ चल जाएगा? कैडमियम के साथ में CdCl2 वापस से बन जाएगा और हमारा कीटोन अलग से बन जाएगा, यानी कि कीटोन और CdCl2 का मिश्रण बनेगा। ठीक है, इस अभिक्रिया में हम जो बनाना चाहे कीटोन का वो बना सकते हैं। जैसे आर, जो हम एल्किल समूह आर लेंगे वो आर की जगह आएगा, जो आर डैश की जगह लेंगे वो आर डैश की जगह आ जाएगा। आपको तो बस अगर आर की जगह CH3 लेते हो तो R जहां जहां R है वहां पे CH3 ऐड कर देना है। ठीक है, और जहां R डैश है अगर वहां CH3 लेना चाहो आप, या C2H5 लेना चाहो, या फाइनल ग्रुप लेना चाहो, जो भी आप लेना चाहो वो R डैश की जगह आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, किसी भी एल्किल या एरिल समूह की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, आराम से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, नंबर दो विधि है नाइट्राइल से। नाइट्राइल व ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने से कीटोन प्राप्त होता है। कोई भी नाइट्राइल लेंगे, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जो उत्पाद आएगा उसका जल अपघटन करेंगे तो कीटोन हमारा प्राप्त हो जाएगा। आप हर एक इक्वेशन को लिख सकते हो। ठीक है, थ्योरी आपको लिखनी हो, इक्वेशन याद कर लो, थ्योरी तो अपने आप लिख ही सकते हो। इक्वेशन को देखो कि इसने इसके साथ रिएक्शन करी और ये बन गया। इक्वेशन देखते हैं, चलो ये हमारा एथिल नाइट्राइल हो गया। ठीक है, या साइनो एथेन हो जाएगा हमारा, C6H5MgBr के साथ में रिएक्ट करेंगे हम से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में तो हमें एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल, ये हमारा जो होगा इसको हम जल के साथ में अपघटित करेंगे। जल जो है थोड़ा सा एसिड मिला हुआ लेंगे, हाइड्रोनियम आयन वाला। ठीक है, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में एल्किल समूह लेते हैं वो एल्किल समूह, और जो साइनाइड से पहला है हमारा CN ग्रुप से पहला एल्किल समूह है, ये दोनों कार्बोनिल समूह के दोनों ओर रहेंगे। ठीक है, जहां नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है वहां पे नाइट्रोजन जो है हट जाएगा और हमारा कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको इसको करना है, नोट कीजिए इसे। इसके बाद है बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके संगत कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इक्वेशन देखते हैं। बेंजीन लिया हमने, RCOCl या ARCOCl के साथ रिएक्ट कराया, ड्राई AlCl3 के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, कीटोन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है R की वैल्यू हम फेनिल ले सकते हैं या R की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, कोई भी एल्किल समूह
खुली श्रृंखला वाला ले सकते हैं, वही हमारा आ जाएगा। ए आर की जगह आप फाइनल ग्रुप ले लो या आर की जगह आप एल्किल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो लेना चाहो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है और उदाहरण बनाना है, कम से कम एक इक्वेशन के दो एग्जाम्पल आपको बनाने हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल इक्वेशन है, कुछ नहीं करना है, बस फटाफट फटाफट प्रतिस्थापन करते जाना है। HCl बाहर हो जाएगा ना, बेंजीन से एक H निकलेगा और COCl से RCOCl से Cl निकलेगा तो माइनस HCl, वो लिखानी है इसमें, वो आप अपने आप खुद से भी देख सकते हैं कि सब विक्रिया में क्या सहायक उत्पाद क्या निकला है, हमारा सहायक उत्पाद क्या निकला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इनकी रंग कैसा है, गंध कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है ना, ये सब चीजें वाटर सोलेबल है नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें हम भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। भौतिक गुणधर्म में पहले देखो, कमरे के ताप पर मैथेनल गैस के रूप में होती है, जो मैथेनल होती है वो कमरे के ताप पर गैस होती है। एथेनल एक वाष्पशील द्रव होता है। अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन कमरे के ताप पर द्रव या ठोस होते हैं। देखो, मैथेनल तो गैस होती है, एथेनल क्या होता है, वाष्पशील द्रव, यानी कि आसानी से वाष्पित होने वाला द्रव होता है। जो अन्य एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, इस ऊपर के जैसे जैसे भार बढ़ता जाता है अणुभार, वैसे वैसे इनका जो गैसीय अवस्था खत्म होती जाती है, द्रवीय अवस्था आती है। द्रवीय अवस्था फिर ज्यादा अणुभार बढ़ेगा तो फिर ठोस अवस्था में आने शुरू हो जाता है, यानी कि जितना अणुभार होगा उतना ही मोलिक्यूल को वेपोरेट होने में दिक्कत होती है, तो उसी हिसाब से सेटल हो जाता है। यानी कि जिसका कम अणुभार होगा वो वाष्पित होने की आसानी प्रवृत्ति रखता है, कम अणुभार वाले जल्दी वाष्पित होते हैं। तो इससे जो अणुभार वाले कम है, जैसे मेथेनल का और एथेनल का अणुभार कम होता है, मेथेनल का तो बहुत कम होता है, तो ये गैस के रूप में होता है। एथेनल जो होता है, एथेनल में क्या होता है, थोड़ा सा मेथेनल से ज्यादा हो गया तो ये द्रव के रूप में होगा, वाष्पीय द्रव के रूप में। वाष्पीय का मतलब आसानी से वाष्पीकृत होने वाला, जैसे जैसे भार बढ़ेगा तो द्रव अवस्था में आ जाएगा, और ज्यादा अणुभार बढ़ेगा तो ये ठोस अवस्था में आ जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होते हैं। जो एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक जो होते हैं, समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर जो होते हैं उनसे अधिक होते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन में दूर आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्बल आणविक संयुग्म के कारण होता है। अब तो अगर तुमसे पूछे कि एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होते हैं क्यों, तो उसका तुम्हें आंसर देना है, एल्डिहाइडो एवं कीटोनों में द्विध्रुव आकर्षण बल के फलस्वरूप उत्पन्न आणविक संगुणन के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना, इसके इनके क्वथनांक भी समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों से अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थित होने के कारण कम होते हैं। एल्कोहलों से कम होते हैं क्योंकि इनमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध नहीं होते। एल्डिहाइडो कीटोन में अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध नहीं होते, लेकिन एल्कोहल में होता है। तो एल्कोहल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो ज्यादा होता है, सॉरी एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो ज्यादा होता है और एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है, कम होता है। ठीक है, निम्न यौगिक को जिनका आणविक द्रव्यमान 58 और 60 है, क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है, यानी कि क्वथनांक जिनका आणविक द्रव्यमान 58 और 60 है उनको हमने इस टेबल में रखा है। देखो, एन ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन है, क्वथनांक होता है 273 केल्विन, आणविक द्रव्यमान होता है 58। मेथोक्सी एथेन इथर है, 281 केल्विन है, आणविक द्रव्यमान है 60। प्रोपेनल एल्डिहाइड है, 322 केल्विन हो गया और आणविक द्रव्यमान हो गया 58। एसीटोन 329 हो गया, आणविक द्रव्यमान हो गया 58। प्रोपेन वन ओल एल्कोहल 370 हो गया और आणविक द्रव्यमान हो गया 60। अब तुम बता सकते हो, पेपर में क्वेश्चन आएगा निम्न में प्रोपेन वन ओल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, तो आपको बताना है कि प्रोपेन वन ओल में जो है हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है। ठीक है, और इनमें ऐसा नहीं होता। या क्वेश्चन आ गया निम्न में बताइए कि इनके बढ़ता इस प्रकार के टेम्परेचर या इस प्रकार के क्वथनांक क्यों है, तो आपको बताना है एनब्यूटेन में मेथोक्सी एथेन में हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थित होते हैं, प्रोपेनल एसीटेन में द्विध्रुव आबंध होता है और प्रोपेन वन में क्या होता है आपका हाइड्रोजन आबंध होता है। तो इस प्रकार से इनके क्वथनांक जो होते हैं इन बढ़ते क्रम में होते हैं। इनके अणुभार देखो थोड़ा ही फर्क है, एक दो इकाई का ही फर्क है, दो इकाई का 58 60 58 58 60, यानी कि दो इकाई का लगभग अंतर है। दो इकाई के अंतर पे देखो क्वथनांक में कितना अंतर पड़ रहा है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं समझने की, छोटी छोटी बातों से ही फिर है ना बहुत सारी डिटेल इकट्ठा हो जाती है। वो कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, थोड़ा 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 करते रहोगे तो
एक बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा हो जाएगी। जब आप एक दिन में आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो पूरे साल में देखो कितने 365 दिन होते हैं, तो कितने नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, तो इन चीजों को ध्यान से समझते रहें और रेगुलरिटी बनाए रखें। कोई दिक्कत आती है मैं आपकी हेल्प में है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। एल्डिहाइड कीटोनों के निम्नतर सदस्य जैसे मेथेनल, निम्नतर मतलब नीचे वाले जो सदस्य होते हैं, जिससे कार्बन की शुरुआत होती है, एक कार्बन वाले, दो कार्बन वाले, तीन कार्बन वाले, जैसे मेथेनल, एथेनल एवं प्रोपेनोन, जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण प्रत्येक अनुपात में जल में मिश्रणीय होते हैं। अब मेथेनल और एथेनल और प्रोपेनॉन हो जो होता है एसीटोन जिसको हम बोलते हैं, थिनर जिसको बोलते हैं, नेलपेंट्रिमो जिसको बोलते हैं, जिसको अच्छे विलायक होते हैं, जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं अच्छे विलायक होते हैं इन सदस्य, ठीक है। तो इनका जैसे लेडीज जो होती है घरों में वो क्या काम करते हैं, नेल पेंट को जैसे आज अलग नेल पेंट लगाई, कल को अलग लगानी है, परसों को अलग लगानी है, तो उसको क्या है, एक नेल पेंट कम से कम एक हफ्ता चली जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो होते हैं थिनर का यूज करते हैं, पेट्रोल में मिला के बेच देते हैं थिनर को, ठीक है। तो ये जो होते हैं जल में मिश्रणीय होते हैं, जल में मिश्रणीय क्यों होते हैं, क्योंकि जल के साथ में हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, कोई भी हो आप, जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, यानी कि इनका जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन जो होता है एल्डिहाइड कीटोन का और हाइड्रोजन जो होते हैं H2O के, वो दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इनमें ये जल में जल के साथ बॉन्डिंग होने के कारण विलय हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियली निगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है, डैश 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 जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, डैश 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 से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब वही आता रहेगा जो आप पढ़ चुके हो पहले पहली क्लास में, उसका बहुत उपयोग है, केमिस्ट्री है ये, पीछे से आता रहेगा, कुछ आगे से ऐड होता रहेगा, कुछ पीछे से आता रहेगा, कुछ फिर आगे से ऐड होता रहेगा, ऐसे ही है। पिछला नहीं पढ़ा तुमने तो फिर समझ लो पढ़ना पड़ेगा, अब नहीं पढ़ना पड़ेगा 2 महीने बाद पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना जरूरी है। जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाती है, इनकी घुलनशीलता तेजी से घटती जाती है, क्योंकि उन्हें भार बढ़ता जाता है, भारी होते जाते हैं। सभी एल्डिहाइड कीटोन सभी कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, इथर, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में सुगमतापूर्वक घुलनशील होते हैं। अब आपको एक मैं पॉइंट बताता हूँ बहुत बढ़िया, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों में विलेय होते हैं, 90% की बात कर रहा हूँ, 100% तो नहीं, लेकिन आप सभी में लिख सकते हो कि ये है कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, सिंपल सा एक पॉइंट है, आप लिख सकते हो पेपर में भी, कोई भी पूछे कि ये इसका भौतिक गुण लिखिए, तो एक पहला तो है ही कार्बनिक विलायक है, सेकंड केमिस्ट्री का तो सीधा लिख देना है कार्बनिक विलायकों में जैसे बेंजीन, ईथर, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म आदि में सुगमता पूर्वक विलय होता है। निम्नतर एल्डिहाइड में तीखी गंध होती है, एक अलग विशेष प्रकार की एल्डिहाइडिक गंध होती है इनमें, जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाता है, मतलब आकार बढ़ता जाएगा, भार बढ़ता जाएगा, तो गंध भी कम होती जाएगी, घुलनशीलता तो कम हो ही रही है, उनकी जो गंध होगी स्मेल होगी वो भी कम होती जाती है, और एक सुगंध जो है बढ़ती जाती है, यानी कि जो गंध है वो कम होती जाएगी, सुगंध आती जाएगी। वास्तव में प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक एल्डिहाइड कीटोनों का उपयोग सुगंध व रुचिकर्मक के सम्मिश्रण में किया जाता है, जो हमारे सेंट वगैरह डिओडोरेंट वगैरह बनाए जाते हैं जो आप यूज करते हो, ठीक है ना, तो उनमें ज्यादातर एल्डिहाइड कीटोन ही होता है, ठीक है ना, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, वो ज्वलनशील भी होते हैं, ध्यान रखना है इस बात का भी, जब भी यूज करो तो आग से दूर होने चाहिए, वो लिखा भी होता है उनके ऊपर, आइकन छपा होता है आग का, तो उसका मतलब होता है कि ये आग पकड़ने वाला है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, और अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल गॉडविड लर्नर्स को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो आती हो आपकी क्लास की तो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है, धन्यवाद।